नमस्कार दोस्तों, ज्ञानपुर में आपका स्वागत है। तो जैसा कि पीसीएस की पूरी बायोलॉजी ख़त्म करने की हमारी बात हुई है, तो हम लोग अभी तक मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, मतलब क्लासिफिकेशन में जितना कुछ पढ़ चुके हैं। तो आज हम प्लांटी के आगे दूसरा किंगडम स्टार्ट करते हैं, एनिमेलिया। ठीक, तो पहले मैं ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूँ आपको कि एनिमेलिया होता क्या है, एनिमल आखिर होते क्या है। ठीक है, आपने जितने भी आसपास अपने अपने घर के आसपास या फिर आप जहाँ भी गए हो, किसी जंगल में गए हो, शेर, चीता, भालू, बंदर, गाय, लोमड़ी, कुत्ता, कुछ भी देखा, वो सारे कुछ एनिमल्स हैं। बट आपने जो देखा उसके अलावा भी इस पूरी अर्थ में, इस पूरे वर्ल्ड में तमाम ऐसे एनिमल्स हैं जिनको हम लोगों ने अपनी आंखों से नहीं देखा, बट वो एनिमल की कैटेगरी में आते हैं। ठीक, तो उसी बेसिस पे, उसी के हिसाब से एनिमल्स को कुछ बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है, उसके वर्गीकरण के कुछ आधार है। अब ये वर्गीकरण के आधार क्यों बनाए गए, क्योंकि हमको एनिमल्स को क्लासिफाई करना था, हमको एनिमल्स को वर्गीकृत करना था। तो उनको वर्गीकृत करने के लिए, उनको क्लासिफाई करने के लिए हमने कुछ क्लासिफिकेशंस के बेसिस बनाए, उस बेसिस पे हमने एनिमल्स को क्या किया, क्लासिफाई किया। ठीक, इतनी बात समझ में आती है। तो एनिमल्स क्या होते हैं ये समझ में आता है, उनकी क्लासिफिकेशन मतलब उनके वर्गीकरण का कुछ आधार था, कुछ बेसिक्स थे जिसके आधार पे हमने उनको क्लासिफाई किया कि हाँ भाई ये एनिमल्स है, ये प्लांट्स है, ये फंजाई है, ये मोनेरा है, ये है, ये बैक्टीरिया है, ये वो है। ठीक है, तो अब एनिमल्स की क्लासिफिकेशन के जो बेसिक्स थे, जो एनिमल्स के वर्गीकरण के आधार थे, उन आधार में जो चीजें शामिल है उनकी हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बॉडी सिमेट्री की। ठीक, शारीरिक सम्मिति की, मतलब वो दिखता कैसा है, वो जो एनिमल है वो आखिर में एक्चुअल में दिखता कैसा है, या फिर उसकी सम्मिति कैसी है, उसकी सिमेट्री कैसी है। ठीक है, सिमेट्री क्या होता है, सम्मिति क्या होता है, जैसे मेरी सम्मिति क्या है, मेरी सिमेट्री क्या है। मुझको अगर आप दो पार्ट में डिवाइड करो, सोचो अगर मुझको दो पार्ट में इक्वल डिवाइड करना है तो कहाँ से डिवाइड करोगे, एक्चुअल सी बात है मेरी नाक से डिवाइड करोगे, जहां पे मेरी नाक है वहां से मुझको ऐसे सीधा काटो तो मैं एक, ये मेरा राइट पार्ट हो गया और ये मेरा लेफ्ट पार्ट, मतलब मैं बायलैटरल सिमेट्रिकल हूं, मैं दो पार्ट में डिवाइड हो सकता हूँ, एक राइट में और एक लेफ्ट में। ठीक, ये इतनी बात समझ में आती है। अब चलो मान लो कोई एक ऐसा एनिमल है, कोई एक ऐसा जानवर है जो अजीबोगरीब दिखता है, ऐसा दिखता है वो, जिसकी कोई आकृति नहीं है, वो कुछ भी दिख सकता है। लेट सपोज अमीबा है, अमीबा पता है ना आपको, है ना, लेट सपोज अमीबा है। ठीक है, अब अमीबा को हमको दो पार्ट में डिवाइड करना है कि इक्वल हम इसको डिवाइड कर सके, तो कैसे डिवाइड करेंगे अमीबा को, है ना, कोई हमको बेसिक दिख रहा है, कोई बेस दिख रहा है जिससे हम इसको दो पार्ट में डिवाइड कर सके, इसको हम दो पार्ट में नहीं डिवाइड कर सकते हैं। ठीक, ऐसे एक और एक कोई एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, जैसे ये कोई एनिमल है, ठीक, फुटबॉल की तरह है वो, 3D में समझिए आप कैसा है, फुटबॉल की तरह, फुटबॉल कैसी होती है 3D, क्योंकि कोई एनिमल 3D में ही होगा, 2D में तो नहीं होगा, है ना। तो 3D में कोई एनिमल है, उसको अगर डिवाइड करना है फुटबॉल की तरह, फुटबॉल को अगर हमें डिवाइड करना है तो कैसे डिवाइड कर सकते हैं, ऐसे डिवाइड कर सकते हैं अबाउट सेंटर उसको इनफाइनाइट टाइम्स डिवाइड कर सकते हैं और वो इक्वल डिवाइड होगा। ठीक, तो हमारे पास तीन ऑप्शन आ गए, एक ये मैं या आप, एक ये आदमी ना, और एक ये अमीबा, और एक ये कोई फुटबॉल जैसा कोई और ऑर्गेनिज्म, कोई फुटबॉल जैसा कोई एनिमल, मुझको डिवाइड करना है। तो आप ये वाला प्लेन देखिए, इस सारे प्लेन से मुझको डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, तो ये दो पार्ट हो गए मेरे, है ना। ऐसे अमीबा को अगर डिवाइड करना है तो इसका कोई प्लेन नहीं है जिससे हम इसको डिवाइड कर सके, और डिवाइड करने के बाद हमको टू या टू से ज्यादा इक्वल पार्ट इसके मिल सके। ठीक है, और इसमें हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास इन्फिनिटी प्लेन है, बहुत सारे प्लेन है जिससे हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, हम इसके इक्वल पार्ट ले सकते हैं। तो हमारे पास तीन चीजें हैं, इन्हीं तीन आधार के हिसाब से एनिमेलिया के बेसिक्स ऑफ क्लासिफिकेशन को, वर्गीकरण के आधार पे बॉडी सिमेट्री मतलब शारीरिक सम्मिति को तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है। ठीक, एसिमेट्रिकल, बाइलैटरल सिमेट्रिकल और रेडियल सिमेट्रिकल। ठीक है, तो एसिमेट्रिकल हमारा क्या हो गया, अमीबा। ठीक, अमीबा कैसा हो गया, एसिमेट्रिकल, मतलब उसको हम एसिमेट्रिकल मतलब उसको हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं। बायलैटरल सिमेट्रिकल में क्या एग्जांपल हो गया, मैन, हम खुद, है ना, ह्यूमन, होमो सेपियंस, तो हम क्या है, बायलैटरल सिमेट्रिकल है। ठीक है, रेडियल सिमेट्रिकल कोई फुटबॉल जैसा कोई ऑर्गेनिज्म, वो कैसा हो गया, रेडियल सिमेट्रिकल। ठीक, चलिए दूसरी बात पे आते हैं,
नेचर ऑफ सिलोम, प्रगुहा की प्रकृति। अब प्रगुहा क्या होती है ये समझ लीजिए, गुहा क्या होती है, तो गुहा वो कैविटी है जो किसी ऑर्गेनिज्म में पाई जाती है। जैसे आप किसी गुफा में घुसे, उसमें कैविटी होती है, उस कैविटी में हम लोग घुसते हैं, ऐसे ही ऑर्गेनिज्म के अंदर कैविटी होती है, किसी में कैविटी होती है, किसी में कैविटी नहीं होती। हमारे अंदर कैविटी है, ठीक है, हमारे अंदर क्या कैविटी है, हमारे जो स्टमक है और ये जो ये हमारा लंग्स है, ये दो कैविटी में रहते हैं। हमारा जो स्टमक होता है ना, और जो हमारा लंग्स होता है, ठीक, लंग्स जिस कैविटी में रहता है उसको क्या बोलते हैं, थोरेसिक कैविटी, ठीक है। थोरेसिक कैविटी में हमारा क्या होता है, लंग्स, और हमारा जो पेट होता है, जो हमारा एब्डोमेन होता है, वो एब्डोमिनल कैविटी में रहता है, ठीक है। तो दो कैविटी है, हम बहुत ज्यादा क्या है, एडवांस, तो जो बहुत ज्यादा एडवांस हो गए उनमें क्या है, सिलोम प्रेजेंट है। हम लोग क्या है, एडवांस, हमारे में सिलोम प्रेजेंट है, ठीक है। और जो एडवांस नहीं है, जो बहुत ही अभी बेसिक बेसिक मतलब बहुत ही ज्यादा नीचे है, वो क्या हो गए, उनमें कैविटी प्रेजेंट नहीं होगी। तो नेचर ऑफ सिलोम मतलब प्रगुहा की प्रकृति के हिसाब से हमने प्लांट, हमने एनिमल्स को दो पार्ट में डिवाइड किया, जिनके पास सिलोम थी और जिनके पास सिलोम नहीं थी। जिनके पास सिलोम नहीं थी उनको बोला एसिलोमेट, और जिनके पास सिलोम थी उनको क्या बोला, सिलोमेट, ठीक है। तो ये हमारी बात हो जाती है सिलोम की। थर्ड हमारा क्या होता है, बेसिक्स ऑफ क्लासिफिकेशन में तीसरा पार्ट हमारा क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक। हमारे पास डाइजेस्टिव सिस्टम है, कैसा है, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है, ठीक है। तो हम क्या होता है, भोजन को पचा लेते हैं, हम कार्बोहाइड्रेट को पचा लेते हैं, हम प्रोटीन को पचा लेते हैं, हम लिपिड्स को पचा लेते हैं। बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनमें डाइजेस्टिव सिस्टम होता तो है बट इनकम्प्लीट होता है, वो कुछ चीज़ों को पचा पाते हैं। और एक ऐसे टाइप के ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनमें डाइजेस्टिव सिस्टम होता ही नहीं है। तो इसी के हिसाब से मतलब बेसिक्स ऑफ क्लासिफिकेशन में जब हमने डाइजेस्टिव सिस्टम की स्टडी की, तो उसमें हमें तीन टाइप के ऑर्गेनिज्म, तीन टाइप के एनिमल्स पता लगे। पहले वो जिनके पास डाइजेस्टिव सिस्टम था ही नहीं, मतलब एब्सेंट था। दूसरे वो जिनके पास था तो बट इनकम्प्लीट था। और तीसरे वो जिनके पास डाइजेस्टिव सिस्टम था और कैसा था, कैसा था, कंप्लीट, ठीक। तो इतनी बात समझ में आती है। ऑन द बेसिस ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम हमने एनिमल्स को कितने पार्ट में डिवाइड किया, तीन पार्ट में, जिनके पास डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं था, जिनके पास डाइजेस्टिव सिस्टम था मगर इनकम्प्लीट था, और जिनके पास डाइजेस्टिव सिस्टम था और कैसा था, कंप्लीट, ठीक। अब चौथी बात करते हैं हम लोग बेसिक्स ऑफ क्लासिफिकेशन में, चौथा जो क्राइटेरिया है वो क्या है, सर्कुलेटरी सिस्टम मतलब परिसंचरण तंत्र, ठीक है। अब परिसंचरण तंत्र दो प्रकार का मैंने यहाँ पे लिखा है, ओपन टाइप और क्लोज टाइप। ऐसे मैं आपको ऐसे बता के चला जाऊंगा तो आप कंफ्यूज रहेंगे कि ओपन टाइप क्या होता है, क्लोज टाइप क्या होता है। तो इसके लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल समझिए, क्या होता है, एक विलेज की बात कर लेते हैं और एक सिटी की बात कर लेते हैं, ठीक है। इन दोनों में कौन सा ज्यादा मॉडर्न है, ऑब्वियस सी बात है सिटी ज्यादा मॉडर्न है, और जो विलेज है वो कैसा है, पुराना, ठीक है। तो विलेज में जो वाटर का सिस्टम होता है, जो पानी लेने का सिस्टम होता है, वो कैसा होता है, एक पॉन्ड होता है, ठीक है। पॉन्ड से सभी लोग जाते हैं, ये हमारा घर, ये आपका घर, ये किसी और का, ये किसी और का घर, मान लो चार लोगों का घर है, है ना। तो चार लोग इसी इस पॉन्ड से क्या है, डिपेंडेंट पानी लेने के लिए, ये सीधे जाते हैं पॉन्ड से पानी लेके आते हैं, वापस अपने घर चले आते हैं। ऐसा ये भी करते हैं, ऐसा ये भी करते हैं, ऐसा ये भी करते हैं, चारों लोग ये करते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही बहुत सारे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनमें एक कैविटी होती है और उस कैविटी में ब्लड भरा होता है, और उन ब्लड में जो ऑर्गेनिज्म के जो डिफरेंट पार्ट होते हैं, चाहे वो आपका स्टमक हो गया, चाहे आपका लंग्स हो गया, चाहे आपकी बहुत सारे पार्ट्स हैं, तो वो डायरेक्ट क्या होता है, इस कैविटी में डूबे हुए होते हैं, और इस डूबी हुई कैविटी से क्या लेते हैं, ब्लड प्राप्त करते हैं। तो ऐसे जो ऑर्गेनिज्म जिनमें एक कैविटी में ब्लड भरा होता है और डिफरेंट डिफरेंट जगह से डिफरेंट डिफरेंट जो ऑर्गन्स होते हैं वो ब्लड लेते हैं, ऐसे सिस्टम को क्या बोलते हैं, ओपन टाइप ऑफ ब्लड वेस्कुलर सिस्टम मतलब खुला टाइप का परिसंचरण तंत्र, ठीक है। अब बात करते हैं दूसरी किसकी, सिटीज की। शहरों में क्या होता है, शहरों में हम लोग मॉडर्न हो गए, हम लोग तालाब से पानी नहीं लेते, हमने क्या किया, अपने घर में टंकी लगवा ली, ठीक है। तो जब टंकी लगवा ली, टंकी से हमारे वॉशरूम में भी पानी आ रहा है, हमारे बेडरूम में, हमारे क्या बोलते हैं, किचन में भी पानी आ रहा है, हमको जहां पानी की रिक्वायरमेंट है वहां पानी आ रहा है, और पानी आ किससे रहा है, किसी पाइप के थ्रू, ठीक। तो जब सिटीज में किसी पाइप के थ्रू टंकी से पानी आ रहा है तो वो कैसा टाइप का सिस्टम हो गया, क्लोज टाइप का, ठीक है। तो ऐसे ही जब ऑर्गेनिज्म, जब एनिमल्स एडवांस होते गए तो उन्होंने क्या किया, उनके में एक हार्ट, एक टंकी की तरह जनरेट हो गया। ये हमारा हार्ट हो गया जो कैसे वर्क कर रहा है, टैंक की तरह, और इस हार्ट से क्या निकली हुई है, वेसल्स, कौन कौन सी वेसल्स, आर्टरी और
वेन्स, ठीक है, धमनी और सिराएं। ये धमनी और सिराएं पूरे बॉडी के डिफरेंट पार्ट को क्या सप्लाई कर रही है, ब्लड सप्लाई कर रही है, ठीक है। आर्टरीज में कैसा ब्लड जाता है, शुद्ध, और वेन्स में कैसा ब्लड रहता है, अशुद्ध, ठीक है। इतनी बात समझ में आती है। तो आर्टरीज और वेन्स से जब हार्ट ब्लड सप्लाई कर रहा है तो ये कौन सा टाइप का ब्लड वेस्कुलर सिस्टम हो गया, क्लोज टाइप का ब्लड वेस्कुलर सिस्टम हो गया, ठीक है। ये किस में पाया जाता है, एडवांस ऑर्गेनिजम्स में। पांचवी बात करते हैं, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, प्रजनन तंत्र, ठीक है। तो जो जो छोटे ऑर्गेनिज्म होंगे है ना, उनमें क्या होगा, रिप्रोडक्टिव सिस्टम अब्सेंट होगा। बट जैसे जैसे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बढ़ा, जैसे जैसे एनिमल्स एडवांस हुए, तो उनमें क्या हुआ, रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या हो गया, प्रेजेंट हो गया, ठीक है। उनपे रिप्रोडक्टिव सिस्टम था, मतलब प्रजनन तंत्र था। छठी बात करते हैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की, मतलब संगठन के प्रकार की। कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं, कुछ एनिमल्स होते हैं, कुछ एनिमिलिया किंगडम में कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनकी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन अभी भी सेलुलर लेवल का है। कैसा है वो सिर्फ एक सेल के बने हो सकते हैं, तो उनका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा हो गया, सेलुलर लेवल का, मतलब कोशिका के लेवल का। जब कोशिका, जब सेल, ये तो पता ही होगा आपको कि एक सेल है, ठीक है, उस सेल में अगर और सेल मिलकर जुड़ जाती हैं तो सेल काफी सारी सेल हो गई, एन नंबर ऑफ सेल हो गई, काफी सारी सेल्स हो गई। एक सेल सिंगल सेल है, उसमें और सेल बनी और फिर उस सेल में और सेल जुड़ी, तो वो क्या हो गया, टिश्यू। तो ग्रुप ऑफ सेल्स क्या हो जाता है, टिश्यूज। सेल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल से क्या मिलकर क्या बना, टिश्यू, है ना। टिश्यू से क्या, जब बहुत सारे टिश्यू बन गए उससे क्या बना, ऑर्गन, और ऑर्गन से क्या बना, ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम से क्या बन गई, ये हमारी पूरी बॉडी, ठीक। देखो हम वहीं पे आ गए, सेल से क्या बना, टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम से पूरी बॉडी। तो ये इस तरीके से जो फंक्शन चलता है, पहले सेल होती है जो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ होती है, इसके बाद टिश्यू बनता है, फिर ऑर्गन बनता है, फिर ऑर्गन सिस्टम और बॉडी। ये भी पैटर्न कई बार पूछा जा चुका है, बट हम इसको ब्रीफली किसमें पढ़ेंगे, सेल में। मैंने आपको यहाँ पे इसलिए बता दिया क्योंकि हम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे थे, संगठन के प्रकार की बात कर रहे थे। तो सेलुलर लेवल पे कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसा होता है, सेलुलर कोशिका के लेवल का होता है। कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनका जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है वो कैसा होता है, टिश्यू लेवल का, मतलब उत्तक के लेवल का होता है, ठीक है। मतलब वो थोड़े एडवांस हो चुके होते हैं, वो थोड़े कॉम्प्लेक्स हो चुके होते हैं, ठीक। थर्ड जो आता है ऑर्गेनाइजेशन, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, वो कैसा, ऑर्गन सिस्टम का। जैसे कि हम लोग हैं, हम लोगों में क्या है, अब ऑर्गन सिस्टम डेवलप हो चुके हैं। कौन कौन से ऑर्गन सिस्टम है ना, सर्कुलेटरी सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है ना, लिम्फेटिक सिस्टम है, काफी सारे सिस्टम्स हैं, ठीक है। तो जब जब बॉडी, जब जब एनिमल्स की बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कॉम्प्लेक्स होने लगा, तो उनमें कैसा कैसा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आ गया, ऑर्गन सिस्टम लेवल का, ठीक है, अंग तंत्र लेवल का, ठीक। तो ये हमारी बात होगी कि एनिमिलिया के बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन क्या थे, किस बेसिस पे इनको डिवाइड किया गया है, ठीक, किस बेसिस पे इनको एनिमल कहा गया है। अब एनिमिलिया एक किंगडम है, एनिमिलिया क्या है, किंगडम, ठीक। चलते चलते ये बात भी समझ लीजिए, हायरार्की भी समझ लीजिए, ठीक है। हायरार्की मतलब कि सबसे ऊपर क्या है, फिर क्या आता है, फिर क्या आता है, फिर क्या आता है, ठीक है। सबसे पहले क्या आता है, किंगडम, यहां समझा देता हूँ, जगह नहीं है। क्या आता है सबसे पहले, किंगडम, फिर क्या आता है, फाइलम, फिर क्लास, फिर ऑर्डर, फिर फैमिली, फिर जीनस, और फिर इसके बाद स्पीसीज, ठीक। कैसे, किंगडम, पीछे फाइलम, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीसीज। ये जो मैंने आपको टर्म बताया, ये जो आपको मैंने हायरार्की बताई, इसको बहुत ज्यादा डीप समझने की जरूरत नहीं है, बट ये हायरार्की ऐसे की ऐसे समझ लेने की जरूरत है, क्योंकि आपसे ऐसे चार चीजें लिख देगा, ऐसे लिख देगा ऑर्डर में, स्पीसीज, ऑर्डर, किंगडम और क्लास, फिर इससे कहेगा आपको इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाइए, इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाइए, सबसे बड़ा क्या होता है, तो सबसे बड़े बात क्या होता है, किंगडम, और सबसे छोटी क्या होती है, स्पीसीज। किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। क्या, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज,
ठीक है, इसको शॉर्ट याद करने का तरीका क्या है, KPCOFGS, क्या KPCOFGS, ठीक है, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। तो इसको ये इसी बेसिस पे, इसी स्तर पे आपसे पूछ लेगा, आपको चार अलग अलग दे देगा और कहेगा इंक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाइए, कौन बड़ा होता है, कौन छोटा होता है, ऐसे सेट करिए, तो आप सेट कर लेंगे। ठीक है, तो बेसिक्स ऑफ क्लासिफिकेशन मतलब वर्गीकरण के आधार के बाद हम लोग पहुंचेंगे किस पे, फाइलम पे, मतलब एनिमेलिया के कौन कौन से फाइलम होते हैं। ठीक, तो सबसे पहला जो एनिमेलिया का फाइलम होता है वो क्या होता है, एनिमेलिया का सबसे छोटा फाइलम, सबसे छोटा संघ क्या होता है, पोरिफेरा। ठीक, दूसरा क्या होता है, पोरिफेरा के बाद क्या आता है, सिलेंट्रेटा, और सिलेंट्रेटा को ही एक और नाम दिया गया है, नाइडेरिया। पोरिफेरा, पोरिफेरा के बाद सिलेंट्रेटा, सिलेंट्रेटा को नाइडेरिया बोला गया। नाइडेरिया या सिलेंट्रेटा के बाद जो तीसरा हमारा संघ है, तीसरा हमारा फाइलम है, वो क्या है, टीनोफोरा। पोरिफेरा, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, टीनोफोरा के बाद फिर क्या आता है, प्लेटीएलमंथीज। क्या आता है, प्लेटीएलमंथीज। प्लेटीएलमंथीज के बाद फिर क्या आता है हमारा, एस्केलमंथीज। तो जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे तक जा रहे हैं तो वैसे वैसे क्या हो रहा, होते जा रहे हैं हम लोग कॉर्डेट्स, हम लोग क्या होते जाते हैं, कॉम्प्लेक्स होते जाते हैं। ठीक, अब अगर मैं पूछूं कि वी आर एनिमल्स, तो हम एनिमल्स के किस फाइलम में आएंगे, तो जाहिर सी बात है हम सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, एंड एनिमल में सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स आदमी ही होता है, इंसान ही होता है, होमो सेपियंस ही होता है, तो वो किस फाइलम में आएगा, कॉर्डेटा में आएगा। ठीक है, सबसे इजीएस्ट बात। अब कॉर्डेटा एक फाइलम है, तो कॉर्डेटा के फाइलम के बाद फिर कोई क्लास भी होगी, है ना, क्लास के बाद कोई ऑर्डर होगा, कोई फैमिली होगी, कोई जीनस होगा, कोई स्पीसीज होगी, है ना, स्पीसीज के बाद सब स्पीसीज भी होती है। तो हम होमो सेपियंस सेपियंस है, क्या है, हम होमो सेपियंस सेपियंस। होमो हमारा क्या है, जीनस, सेपियंस हमारा क्या है, स्पीसीज, और सेपियंस के बाद जो दोबारा सेपियंस आया वो क्या है, हमारी सब स्पीसीज। होमो सेपियंस नियंडरथेलिस भी होता है, होमो सेपियंस ऑस्ट्रेलियस भी होता है, आने वाले समय में जो आएगा वो होमो सेपियंस फ्यूचरिस्ट होगा, है ना। तो इस हिसाब से हम लोग क्या है, होमो सेपियंस सेपियंस। ठीक है, तो हमारी बात यहाँ पे हो रही थी एस्के एलमंथीस पे, प्लेटी एलमंथीस के बाद क्या, कौन सा फैलम आएगा, एस्के एलमंथीस, एस्के एलमंथीस के बाद एनिलिडा। मैं इतनी स्पीड में जा नहीं रहा हूँ अभी, ये सारे सारे जो फाइलम है ये अगली क्लास में आपको एक एक फाइलम हम लोग इसमें ब्रीफ में स्टडी करेंगे कि किसमें कौन सा ऑर्गेनिज्म आता है, किसमें कौन सा एनिमल आता है, उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। आपके यूपी पीसीएस में, आपके पीसीएस एग्जाम में बहुत सारे फाइलम्स में बहुत सारे जो एग्जाम्पल्स हैं वो काफी सारे पूछे जा चुके हैं, है ना, कुछ एग्जाम्पल बहुत बार आए हैं। ठीक है, तो उन सब पे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो एस्केलमंथीस के बाद क्या है, एनिलिडा, एनिलिडा के बाद क्या, ऑर्थ्रोपोडा, ऑर्थ्रोपोडा के बाद मोलस्का। ठीक है, इसको बस ऐसे ऐसे इसको याद करते जाइए, एनिलिडा के बाद ऑर्थ्रोपोडा, ऑर्थ्रोपोडा के बाद मोलस्का, मोलस्का के बाद इकाइनोडर्मेटा, इकाइनोडर्मेटा के बाद हेमिकॉर्डेटा, और हेमिकॉर्डेटा के बाद कॉर्डेटा, कॉर्डेट्स मतलब हम मतलब कौन, जिनमें क्या होती है, स्पाइनल कॉर्ड, इसीलिए इसको क्या बोला गया, रज्जू की। ठीक, इतनी बात समझ में आई। तो हमने आज एनिमेलिया स्टार्ट कर दिया, उसके बेसिक्स ऑफ क्लासिफिकेशन और उसमें कौन कौन से फाइलम्स होते हैं हमने इसकी बात कर ली। अगली क्लास में हम इन सभी फाइलम्स को ब्रीफ में पढ़ेंगे।